नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है, डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। काफ़ी लेसन्स हमारे लेसन्स 1 to 11 बन चुके हैं, तब से मैं काफ़ी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। अभी तक मैंने ऑर्नमेंट नहीं सिखाया, इस वीडियो में मैं ऑर्नमेंट की बात करूँगा, जिससे आपकी प्राइमरी ऑर्नमेंट है, जिससे आपके म्यूज़िक में मधुरता भी आएगी, सुनने में अच्छा लगेगा। और कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये देखिएगा, आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसको ब्यूटिफिकेशन में यूज़ करते हैं, अलंकार कहते हैं इसको। पहला अलंकार आज मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ, और नियमबद्ध अगर वो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप वो सीख जाएंगे। जितनी मैंने आपको 1 to 11 एक्सरसाइज अगर जिसकी अच्छे से कम्प्लीटेड है वही वो कर सकते हैं। और हमने जो आपके लिए स्टूडेंट सेक्शन निकाला है, आप अपनी वीडियो ठीक अगर अच्छे से आपने बनाया होगा उसमें गलती हम आपके बता सकते हैं, जो हमने एक स्टूडेंट का अपडेट कहा था। ऐप भी कुछ दिनों में बन जाएगी। ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ अलंकार की, खटका है। जो जो एक्सरसाइज मैंने दी है अगर आपका हाथ उसमें सही है तभी एक्सरसाइज अच्छे से आ पाएगी, वरना ये बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये मेरा बताना कर्तव्य था कि आपको सीरीज़ वाइज चलना है, अगर आपका ठीक है तभी ये बजाना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब उतना मैंने आपको अवेयर कर दिया है, वो लोग सीखें जिसका 11th जो भी मैंने दिया हुआ है चैप्टर बिगिनर्स के लिए वो कम्प्लीटेड हो अच्छे से, इसको कहते हैं खटका। अब जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है उसी में करना है खटका, मतलब इसको टैप भी कहते हैं टैप, ये ठीक है, टैप मारना पड़ता है। अब बांसुरी की अगर आप आवाज़ बिना फूके भी मैं मारूँगा तो एक आवाज़ आएगी, ये एक आवाज़। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले इसको पाधा निशा रेगा मापा में सीखना है, ठीक है। पाधा निशा रेगा मैं बजाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। अब ये है कैसा, देखिए ये करा था, ये टैप मारा, फिर ऊपर लेके फिर टैप मारा, हर नोट के लिए ऊपर से टैप मारना है, मतलब हैमर टाइप का करेंगे आप। धापा धा निधा नी सानी सा ऐसे बजता ना, ऐसे इसको कहते हैं खटका। पहले तो आप सरगम में इसको बिठाएंगे, जैसे मैंने अभी बजाया, पहले ऐसे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको एक ही होल में प्रैक्टिस करनी है, आगे नहीं बढ़ना। फिर टैप जरूर आना चाहिए। अब अगर आपकी अच्छे प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये होगा गलती, क्योंकि वो सही जगह नहीं पड़ेगा। उन्हीं लोग के लिए जो ये सही से, जिनका मैंने बोला है सब हमारे चैप्टर अच्छे से करे हों। थोड़ा टफ होता है, इसको अवॉइड भी कर सकते हो। मापा 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 मापा, ये टफ भी होता है, ठीक है। ये सब चीज आपने पार्ट टू पार करनी, लोअर पार्ट टू मीडियम पार। अब जैसे हम फूक में आपको प्रैक्टिस बताई थी डबल फूक वाला, अब आपको क्या करना है, इसमें फूक से नहीं करना है, उंगलियों से करना है, टैप से। तो टैप हल्के हल्के स्पीड भी बढ़ जाएगी, थोड़ा कठिन एक्सरसाइज है, हर में कर सकते हो आप इसको, हमारे पलटे में पाधा नहीं धाने का।
पर पहले आप सरगम में पा धा नि सा रे गा मा पा में कीजिए, फिर पा पा धा धा, और एक नोट को खूब। अब लोग पूछेंगे ये कहाँ पर आएगा, कहाँ पर यूज़ होगा? गानों में यूज़ होगा, राग में यूज़ होगा। देखिए एक प्रोमिनेंट एग्जांपल तो मैं बताता हूँ जो ये गाने में यूज़ हुआ है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो ये एग्जांपल है कहाँ पर यूज सकता है, रागों में कैसे प्रयोग करते हैं, अलापों में कैसे करते हैं। फिर हमको ये चीज़ में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ हमारे मुर्गियों में भी ये बाद में काम आ जाएगा, पर अभी आपको इसमें ध्यान देना है। हम सब चीज़ एक दिन में नहीं सीख सकते, तो पहले ये ध्यान देना है। इसके रिलेटेड एक्सरसाइज बनाऊंगा मैं, अभी आप पहले वो सब करेंगे, है ना? यूजेस बता रहा हूँ मैं। वैसे तो खटका का इसमें अंग लग रहा है मुर्गी पर, आपको ये आएगा तभी बजा पाएंगे जब आपको खटका आ जाएगा, तो इसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे मत कर, ये खटका नहीं है, वो टन टन की आवाज़ आनी चाहिए। तो आप फास्ट मत करना, ये हल्के हल्के करेंगे आसानी से आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वाला जो आपको पार्ट है खटका का, बड़ा प्रैक्टिस करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी आपके वो टैप करना नहीं आएगा, आपको क्या होगा, ये गलती होगी। पर आप एक को अगर एक एक भी सीख जाओगे ना, एक आ जाएगा आपको, तो फिर आपको बाकी का फंडा समझ में आ जाएगा। एक आपको आ जाए धबधा धबधा टन आनी चाहिए आवाज़। ठीक है, देखिए मैं बिना फूक के, अभी प्रैक्टिस से है ना, अब बता दिया, करना आपके आपके हाथ में। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सरल हो जाएगा, और फिर आप उसको गानों में यूज़ करें या अपना रागों में यूज़ करें, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्यूटिफिकेशन का एक पार्ट है, तो इसको आप करिए तो खटका आपका हो जाएगा। और अगर कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि फ्लूट कहाँ से ले, वो मैंने सब वीडियोज़ बनाई, आपको प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा। ऐप भी हमारी आ गई है, कुछ दिनों में ऐप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसमें से वो देख सकते हैं। पर आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, जितना हल्के करेंगे उतने अच्छा आएगा। इसको भी तेज मत कीजिएगा, हल्के हल्के, ये एक हफ्ते में आपके हाथ में बैठेगा। एक हफ्ते से कम इसको देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए एक हफ्ते दीजिए। और फिर करते 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 अलाप में मैं इसको बताऊँगा, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज में मैं इसको बताऊँगा, तो ये आपका और अच्छा हो जाएगा, आपको होल्ड आ जाएगा। तो ऐसा करता हूँ, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आगे के लिए और कुछ ऐसी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए तैयार करूँगा। सबको तब तक के लिए बेस्ट विशेस, धन्यवाद।